अगर हम अपने सिलेबस के हिसाब से देखें। अच्छा ये बताओ, व्हाट इज मेंट बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर? एनी आइडिया, गैस और एनीथिंग? सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या, करता क्या है? इट इज यूज टू मेक द यूजर कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर। बेटा हार्डवेयर से बेहतर है कि इफ यू राइट, इट इज यूज टू कम्युनिकेट, मेक्स द यूजर या अलाउज द यूजर टू कम्युनिकेट विद द सिस्टम। हार्डवेयर से बेहतर कीवर्ड है, ठीक है, किस सिस्टम है? बिल्कुल ठीक का। बेसिकली आपके विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन नॉट कंट्रोल। बेसिकली इट प्रोवाइड्स एन एनवायरमेंट टू रन द एप्लीकेशंस एंड इन द मीनवाइल इट अलाउज द यूजर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। अब ये इंटरेक्ट विद द सिस्टम कैसे प्रोवाइड करता है यूजर, वो पूरा का पूरा आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो सबसे बड़ा टॉपिक है, दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओ लेवल्स में भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, एएस के बारे में, एएस में भी पढ़ते हैं, ए टू में जाके हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि व्हाई डू वी नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम, या व्हाट आर द रोल्स ऑफ द यूजर इंटरफेस, या फिर व्हाट आर द रोल्स ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट, या फिर आपके पास प्रोसेसर मैनेजमेंट का जो काम होता है वो सारा का सारा आ जाता है। इसमें हम डिटेल में कर्नल लेवल पे भी जाके पढ़ते हैं, या फिर मेमोरी मैनेजमेंट का जो मैंने आपसे कहा कि मेमोरी मैनेजमेंट की सारी चीजें आ जाती है। इसी के साथ साथ इस चैप्टर के अंदर एक और पार्ट है, दैट इज नोन एज योर ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। अगर एएस का ऑपरेटिंग सिस्टम याद हो तो इन एएस ऑपरेटिंग ओएस एएस सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसमें हम ओएस भी पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत पढ़ते थे, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर के बाद हम यूटिलिटीज पढ़ते थे, ड्राइवर्स के बारे में पढ़ते थे, लाइब्रेरी फाइल्स के बारे में पढ़ते थे। ये सारे के सारे क्या थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट था, बट यहाँ पे हम इन दो चीजों पे फोकस रखते हैं, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर आसान नहीं है यहाँ पर चीजें, एज कंपेयर टू योर आई वुड से के एएस और ओ लेवल्स। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। बेटा ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर का कौन कौन से ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं? सॉरी बेटा, इफ यू आर राइटिंग समथिंग आई हैव टू चेक इट फ्रॉम माय लैपटॉप, जस्ट गिव मी अ मिनट। यू कैन राइट डाउन योर आंसर, आई विल जस्ट चेक इट। बेटा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यू कैन आई एम आस्किंग के ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर आर देयर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ओके एंड हाउ डज योर इंटरप्रेटर वर्क्स? सो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपने कहा दैट वी हैव एन इंटरप्रेटर। कैसे चलता है इंटरव्यू? इट रीड्स लाइन बाय लाइन, दैट्स इट।
बस लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और कुछ नहीं। सही कह रहे हो, वैसे ज्यादा कुछ नहीं होता। देखो इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। इंटरप्रेटर के लिए हमें हर वक्त हमारा सोर्स कोड चाहिए होता है। हमने इससे पहले जितने ये जो प्रोग्राम लिखे हैं ये सारे के सारे क्या है, हमारे सोर्स कोड हो गए। सो जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है दैट इज नोन एज योर सोर्स कोड। इंटरप्रेटर में कैसे चलता है कि आपके पास पहला स्टेप देखा जाए तो फर्स्ट इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर इज लोडेड। फिर उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो भी लोड कर दिया जाता। नाउ आफ्टर लोडिंग दीज टू आप क्या करते हो, प्रोग्राम को रन करते हो। कौन? यूजर। जब यूजर प्रोग्राम को चलाता है तो बेसिकली एक लूप चल जाता है। वो लूप को अगर मैं सूडो कोड में लिखूं, आई होप कि आपको सूडो कोड समझ आता है। आई होप क्या, आई ऑब्वियसली नो दैट यू नो अंडरस्टैंड सूडो कोड। तो मैंने एक रिपीट का लूप लगा दिया और इंटरप्रेटर क्या चला दिया, रीड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन सीक्वेंस। अब इट्स अ सीक्वेंस, बल्कि नहीं, अगर कोई सिंटैक्स नहीं है तो मतलब इफ द सिंटैक्स इज फाइन देन क्या करें, एग्जीक्यूट कर दे किसको, जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इंटरप्रेटर क्या करता है, एल्स अगर कोई स्टेटमेंट में एरर आया है तो रिपोर्ट कर दे किसको, यूजर को। बट अच्छा ये सारा काम करता कब तक रहे, अंटिल एरर फॉर्म और एंड में एंड एग्जीक्यूट। ये आपका प्रोग्राम चलता रहता है किसमें, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इतना मुश्किल नहीं, लेकिन अगर यही मैं आपसे कंपाइलर की बात करूं तो हाउ डज योर कंपाइलर वर्क्स। यस बेटा तला, हाउ डज योर कंपाइलर वर्क्स। इट रीड्स डेटा ऑल टुगेदर एंड देन बेटा इट रीड्स द डेटा ऑल टुगेदर एंड देन व्हाट इट डज, कैसे काम। इंटरप्रेटर का मैंने सीधा लिखा कि स्टेटमेंट पढ़ता है सीक्वेंस के अंदर, अगर वो सिंटैक्स मिल गया तो ये ठीक है, वरना वो रिपोर्ट करता है। ये कब तक चलता रहता है, जब तक यहाँ तो एरर्स कोई फाउंड ना हो जाए प्रॉपर। ये आपका लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चलाता रहे। कंपाइलर की अगर मैं आपको एक डायग्राम के तौर पर बना के दिखाऊं तो कंपाइलर में होता क्या है, आपने सोर्स प्रोग्राम लिखा,
अच्छा नाउ फॉर द मीन वाइल जस्ट सपोज दैट आई एम नॉट यूजिंग एनी आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज नहीं कर रहा, मैं फिलहाल एक टेक्स्ट एडिटर में काम कर रहा हूं। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम मैंने लिखा, उसको मैंने भेज दिया आपके एक टेक्स्ट एडिटर के अंदर। ठीक है, नाउ टेक्स्ट एडिटर से मेरे पास क्या हो जाएगा, एक फाइल बन जाएगी। फाइल सपोज करो मैंने टेस्ट डॉट txt सपोज करवा रहा हूँ। ठीक है, बन गई। अब यहां से मैं क्या करूंगा, अपने कंपाइलर में भेज, कंपाइलर के अंदर अगर कोई मेरे टेक्स्ट में एरर आता है तो वो क्या करता है, ए एरर रिपोर्ट जनरेट करता है। और मुझे वापस से कहाँ चले जाना पड़ता है, सोर्स प्रोग्राम की तरफ। ये एक लूप चलता रहता है कब तक, टिल माय प्रोग्राम मीन सोर्स प्रोग्राम इज एरर फ्री। जैसे ही वो एरर फ्री हो जाता है, नाउ आई एम यूजिंग पिंकर, तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, एक इंटरमीडिएट कोड बना देगा। नाउ दिस इंटरमीडिएट कोड इज कॉल्ड टेस्ट डॉट आई एन एन। टीएक्सटी से उसने क्या कर दिया, इंटरमीडिएट कोड बना दिया। नाउ ये इंटरमीडिएट कोड जो आपका है, ये जाता है आपके लिंकर के पास। लिंकर क्या करता है बेटा, एनी आइडिया? लिंकर का काम देखो, आपने प्रोग्राम के ना सपोज मैंने लिखा था इनपुट ए, फिर मैंने कहा लेंथ ऑफ ए को स्टोर करा दो सी के अंदर, और मैंने कहा आउटपुट सी। अब देखो इसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 1 एंड 3, ये क्या है, ये मैंने लिखी है। 2 वाली लाइन में ये जो लेंथ का फंक्शन यूज किया है, क्या ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हम लाइब्रेरी रूटीन कहते हैं, ये तो पता है ना। तो ये लाइब्रेरी रूटीन है, ये प्री कंपाइल्ड होती है, मतलब पहले से कंपाइल्ड हुई होती है, इसको बार बार कंपाइल तो नहीं करूंगा ना। अब मेरे इस कोड को जो मैंने कंपाइल किया है, इसमें जो मेरा ये लेंथ वाला फंक्शन था, ये कंपाइल ऑलरेडी हुआ हुआ था, तो इसको ये पहले हटा देता है। इसको हम कहां से लेकर आते हैं, हमारे पास एक लाइब्रेरी कोड होती है, ये लाइब्रेरी कोड को और आपके इंटरमीडिएट कोड को, इन दोनों को मर्ज कौन करता है, लिंकर। इससे मेरे पास मेरी प्रोग्राम की एग्जीक्यूटेबल फाइल आएगी। तो ऐसा नहीं है सीधी सीधी एग्जीक्यूटेबल फाइल आ जाती है, कंपाइलर का ओरिजिनल प्रोसेस सारा का सारा ये होता है कि आपके पास, आपने ही प्रोग्राम देखो, आपने जो इससे पहले पढ़ा था वो यहां से, फिर हम डायरेक्ट यहाँ आ जाते थे एएस और ओ के अंदर भी, साथ हम यही करते थे, बट बीच में ये प्रोसेस को मिस आउट कर देते हैं। ये प्रोसेस मिस आउट नहीं होता, कंपाइलर नेवर क्रिएट्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, कंपाइलर क्रिएट्स एन इंटरमीडिएट कोड इन विच
लिंकर इज यूज टू अटैच द लाइब्रेरी फाइल्स विच ऑल विच आर यूज इन योर कोड एंड देन लिंकर प्रोड्यूसेस योर एग्जीक्यूटेबल फाइल। बट ये सारा का सारा ये प्रोसेस कब होता है? जब आपका प्रोग्राम पूरा का पूरा एरर फ्री हो, वरना क्या होता है? एरर रिपोर्ट जनरेट होती है और लूप चलता रहता है कि जब तक पूरा प्रोग्राम एरर फ्री ना हो जाए। अब कंपाइलर के अंदर ये जो इंटरमीडिएट कोड बनाता है, ये ऐसे ही बैठ के नहीं बना देता कि बस बैठे और इसने बना दिया। कंपाइलर की देयर आर स्टेजेस। बेटा कैन यू नेम एनी स्टेजेस ऑफ कंपाइलर? टोटल कितनी स्टेजेस होती है कंपाइलर की? ओके तो बेटा देर आर ऑल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देर आर 4 स्टेजेस। ठीक है, फर्स्ट इज लेक्सिकल एनालिसिस, सेकेंड इज सिंटैक्स एनालिसिस, थर्ड इज कोड जनरेशन एंड फोर्थ इज कोड ऑप्टिमाइजेशन। एक और आती है, वो सिमेंटिक होती है। सिमेंटिक पे फिलहाल मैं नहीं जा रहा, वो सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। लेक्सिकल के बाद सिंटेक्स होती है, सिंटेक्स के बाद सिमेंटिक होती है। अगर मुझे मौका मिला भी तो मैं तुम्हें लेक्सिकल एनालिसिस का, मेरे पास एक बना हुआ है जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम पे बनाया था। थोड़ा बहुत वो अभी जो लैपटॉप में वो कंप्लीट शायद नहीं होगा क्योंकि वो दूसरे लैपटॉप में था, लेकिन स्टिल मैं चला के दिखा दूंगा कि वो करता क्या है। लेक्सिकल एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर कंपाइलर एनालिसिस में होता क्या है। लेक्सिकल एनालिसिस सबसे पहला जो काम करता है वो करता है रिमूव्स एनी वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस का मतलब क्या है? यस बेटा, वाइट स्पेस ब्लैंक्स, बेसिकली ब्लैंक लाइंस। जैसे कि शायद ही मैंने कभी छोड़ी। हाँ, जैसे ये कोड अगर लिखा हुआ है तो इसमें आप ये जो ये लाइन है, दिस लाइन इज योर ब्लैंक लाइन, दिस इज योर ब्लैंक लाइन, एम्प्टी जो लाइंस होती हैं ये कहलाती हैं वाइट स्पेसेस। तो ये प्रोग्राम का पार्ट, मतलब फायदा नहीं है ना इसको रखने का। तो कंपाइलर सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस में क्या करता है, वाइट ब्लैंक लाइंस उड़ा देता है। फिर दूसरा काम रिमूव्स एनी कमेंट्स, जो भी आपके कमेंट्स होते हैं उसको उड़ा देता है। तीसरा काम चेक्स फॉर ऑब्वियस एरर्स। इन द यूज ऑफ
आइडेंटिफायर नेम्स, जैसे कि मेरा कैरेक्टर 64, मेरा कोई भी वेरिएबल का नाम वो 64 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा। 64 से ज्यादा बड़ा कैरेक्टर वेरिएबल आइडेंटिफायर का नाम नहीं हो सकता। हम तो खैर इतने ज्यादा रखते नहीं है तो इसलिए इस चीज को हम नहीं बताते, जरूरत नहीं पड़ती। फिर इसके बाद अच्छा आपसे पूछ सकता है कि लेक्सिकल एनालिसिस में क्या किया जा सकता है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो आपके पास ऑब्वियस एरर्स देख लिए इसने, कमेंट्स रिमूव कर दिए, फिर हर लैंग्वेज का जो कीवर्ड है ना उसको टोकन से रिप्लेस करता है। रिप्लेसेस ईच लैंग्वेज कीवर्ड विथ इट्स टोकन। प्रिंट का जैसे हो गया या रिपीट हो गया, ये टोकन आपके पास होता है। टोकन कहाँ से निकलता है? टोकन आपके पास आपके कीवर्ड टेबल से मिलता है। तो बेसिकली कीवर्ड टेबल और सिंबल टेबल भी कौन बनाता है? वो आपका लेक्सिकल एनालिसिस ही बनाता है। फिर इसके बाद ऑल आइडेंटिफायर नेम्स, ये आपका आप सिंबल टेबल बना रहा है, आर रिप्लेस्ड इन दी सोर्स कोड बाय अ पॉइंटर टू एन एड्रेस। Which links up with symbol table। अब symbol table बन जाता है आपके पास। symbol table कैसे बनता है? उस symbol table और keyword table के लिए काम करते हैं हम, डायरेक्टली उस पर चलते हैं आपके क्वेश्चंस, पास पेपर क्वेश्चंस की तरह। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें सिंटेक्स एरर हम ढूंढेंगे या सिंटेक्स एरर पकड़ेगा या नहीं? नहीं, मतलब अगर मैं सपोज करो पाइथन के अंदर ये लिख दिया, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? क्या ये एक एरर है? क्या इसको लेक्सिकल एनालिसिस पकड़ेगा? लेक्सिकल एनालिसिस नहीं पकड़ेगा, बिकॉज आपका जो लेक्सिकल एनालिसिस है, जो एनालाइजर है, वो क्या समझेगा? विल कंसिडर इट एज एन आइडेंटिफायर। ये समझेगा कि ये आपका आइडेंटिफायर है, मतलब आपने कोई वेरिएबल वेरिएबल का नाम रख दिया। क्यों? क्योंकि इसको ये कहा नहीं मिला, ये सबसे पहले जाके ढूंढेगा कीवर्ड टेबल के अंदर। कीवर्ड टेबल में नहीं मिला तो ये फिर कंसिडर कर देगा क्या इसको एज एन आइडेंटिफायर। इज इट क्लियर? सिंटेक्स चेकिंग यहां पे नहीं होती। सिंटेक्स चेकिंग आपकी जो है वो सिंटेक्स एनालिसिस के अंदर की जाती है। तो आई गेस यहां तक का ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब इसका डायरेक्ट हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको वो भी करते हैं। ओके तो बेटा सिंटेक्स एनालिसिस कैसे काम करता है आपके पास? स्क्रीन शेयर हो रही है?
द कंपाइलेशन प्रोसेस हैज अ नंबर ऑफ स्टेजेस. द फर्स्ट स्टेज इज लेक्सिकल एनालिसिस. अ कंपाइलर यूजेस अ कीवर्ड टेबल एंड अ सिंबल टेबल. पार्ट ऑफ द कीवर्ड टेबल इज शोन. टोकन फॉर कीवर्ड्स आर शोन इन हेक्साडेसिमल. ये आपके पास टोकन हैं, नॉर्मली हेक्सा सी दिखाता है आपको. ऑल ऑफ द कीवर्ड टोकन आर इन रेंज 0 0 5 है. सही. एंट्रीज इन द सिंबल टेबल आर एलोकेटेड टोकन. द वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 60. ये कौन सा टेबल है? दिस इज योर कीवर्ड टेबल. एंड यहां पे ये कह रहा है एंट्रीज इन द सिंबल टेबल्स आर एलोकेटेड टोकन्स. अब आपने यहां से सिंबल टेबल को तैयार करना है. स्टडी द फॉलोइंग कोड. ये कोड आपके सामने है, काम करता है. यहां भी ये कह रहा है कंप्लीट द सिंबल टेबल टू शो इट्स कॉन्टेंट्स आफ्टर द लेक्सिकल एनालिसिस स्टेज. उसको पेस्ट कर लेते हैं यहां पर हम. बेटा क्या ये विजिबल है? ओके. नाउ आपके पास बेटा इसमें से तो पहले मुझे ये बताओ कि क्या क्या आपका सिंबल है, मतलब आइडेंटिफायर. सिंबल टेबल में हमेशा आइडेंटिफायर और कॉन्स्टेंट्स आते हैं और आपके जो कीवर्ड होते हैं. देखो कीवर्ड ये है, इसने फिक्स कर ही होगा. ओके सो कैन यू कंप्लीट दिस टेबल? क्विकली 2 मिनट लो. डन. नंबर 62 वेरिएबल काउंटर 63 1 2 3 बिल्कुल ठीक. क्या क्या बेटा इसको नीचे ये फिल आउट कर सकते हो? शो दी की वगैरह. ओके ओके एक सही मिनट. चलो फिर एक साथ साथ ही कर लेते हैं. आपने यहाँ पे देखो आपके पास स्टार्ट इसने मार्क कर दिया था 1 है. फिर नंबर आ जाएगा, काउंटर हो जाएगा, स्टार्ट ऑलरेडी है 12 हो जाएगा. और फिर अगेन नंबर, काउंटर, स्टार्ट, ये सारे के सारे जो मैंने अभी येलो मार्क किए दोज आर योर सिंबल्स. स्टार्ट इसने सबसे पहले ढूंढा, उसने लिखा वैल्यू इसकी 60 से स्टार्ट की, वेरिएबल है. देन मेरे पास 1 आया, लाइन बाय लाइन चलता है. 1 आया, उसने 1 मार्क किया, 61 लिखा, कांस्टेंट कर दिया. फिर हम गए तो हमारे पास कौन सा आ गया? वी हैव
काउंटर, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, वी हैव नंबर, तो हमने नंबर लिखा कहां से, ये सेकंड लाइन पे मिल गया मुझे। नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 62। नंबर इज ऑल्सो एन ऑल्सो अ वेरिएबल, देन ये जो कमेंट है कमेंट तो उड़ा देता ही है। फिर आप फॉर गए, फॉर इज अ कीवर्ड टेबल, देन काउंटर, काउंटर पे आप आए क्योंकि काउंटर एक वेरिएबल है, इसको आपने 64 मार्क किया एंड आपने वेरिएबल लिख लिया। फिर स्टार्ट ऑलरेडी मार्क हो चुका है 12, तो आपने कहा 12, 12 की वैल्यू 65 एंड 12 इज अ कॉन्स्टेंट, एंड हो गया। फिर ये आगे कहता है द आउटपुट फ्रॉम द लेक्सिकल एनालिसिस स्टेज इज स्टोर्ड इन द फॉलोइंग टेबल, ईच सेल स्टोर्स 1 बाइट ऑफ द आउटपुट। बेटा जो अभी मैंने यहाँ पे ये वाली लाइन लिखी थी ना, ये वाली लाइन, ऑल आइडेंटिफाई नेम्स आर डिस्प्ले, नाउ बेटा कैन यू हियर मी? ओके, तो बीच में जो कुछ बोला वो कुछ भी आवाज नहीं आई। ओके, कहाँ से आवाज नहीं आई? ये जो मैंने कंप्लीट किया ये समझ आ गया था। ओके ओके ओके, सो आपके पास, आपने यहाँ पे देखा कि दी आउटपुट फ्रॉम द लेक्सिक एनालिसिस, ये इसने स्टार्ट किया है कहाँ से, स्टार्ट की वैल्यू उसने उठाई यहाँ से, उसको रिप्लेस कर दिया। फिर एरो की बात की तो आपने एरो को देखा 01 टोकन है, उस टोकन को ले आए। फिर 1 आ रहा है, 1 की वैल्यू क्या है, 61, तो इस टेबल में आपने लिख दिया 61 एंड सो ऑन, उसको कंटिन्यू करना है। ये आपके सामने आपका कोड है और आपका कीवर्ड टेबल है, सिंबल टेबल आपने बनाया तो आपको पता होगा काउंटर एंड 12 की वैल्यू गलत है। सेकंड, मैंने एक रैंडम बनाया था, वेट देते हैं, नंबर आएगा काउंटर 12। ओके 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 ओके, मैंने 63 कर दिया था, ये 62 है, तो ये हो जाएगा 62, 63 एंड 64। अच्छा ये बेटा, नाउ दिस इज योर कीवर्ड टेबल और आपके पास वो सिंबल टेबल है, मुझे काइंडली इसकी कंप्लीट जो स्टेटमेंट जो चेंज होता है वो करके दे।
डन बेटा। ओके स्टार्ट करते हैं, फिर तुमने कंप्लीट 66 कर लिया तो 61 आ गया। फिर उसके बाद आपका इनपुट, तो आपने इनपुट को अगेन जाके देखना है, 51 आ जाएगा। फिर आप नंबर, नंबर की वैल्यू हमने क्या लिखी है, 62, यहाँ पे आ जाएगा 62। फिर कमेंट्स पूरे खत्म हो जाएंगे। फॉर, फॉर की आप वैल्यू देखोगे यहाँ से, फॉर इज 4e, तो आपने लिख दिया 4e। 4e के बाद आपके पास काउंटर आ रहा है, तो काउंटर की वैल्यू इज 63, तो आपने यहाँ पे 63 कर दिया। फिर एरो आ रहा है, एरो क्या था, 01 था। एरो के बाद स्टार्ट, स्टार्ट की वैल्यू क्या है, 60। फिर टू, तो टू को आपने जाके यहाँ से देखना है, विच इज 50। फिर आप गए 12th पे, तो 12th इज 64। फिर आप आउटपुट पे गए, तो आउटपुट की वैल्यू है 52। नंबर की वैल्यू इज 62। नंबर के बाद स्टेरिक, स्टेरिक की वैल्यू आपने यहां से उठाई, विच इज 02। फिर स्टेरिक के बाद काउंटर है, तो काउंटर की वैल्यू इज अगेन 63। और आखिरी में एंड फॉर, तो एंड फॉर इज 53। द आउटपुट ऑफ द लेक्सिकल एनालिसिस स्टेज इज द इनपुट टू द सिंटेक्स एनालिसिस। खैर अभी सिंटेक्स पे हमने नहीं काम किया, तो यहाँ पे रोक देते हैं हम। ये एक और क्वेश्चन है बेटा, इसको कंप्लीट कर लेना, मैं फाइल भेज दूंगा। ये वाली फाइल मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, अगर ये हार्ड कॉपी में चाहिए तो आप हार्ड कॉपी सेक्शन से पिक कर सकते हो, इफ यू वांट टू, वरना मुझसे सॉफ्ट कॉपी। इसके लिए हार्ड कॉपी मतलब पेपर 3, पेपर 4, नोट्स और पास पेपर्स कंप्लीट है। ओके, यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन?